हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये कद्दू की बेल है, पंपकिन जिसे हम लोग कहते हैं, और ये मार्केट से जो कद्दू लाया गया था उसके बीज से ही लगाई गई है। इसको बीज को कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको पिछले वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो इसे वहाँ से देख सकते हैं। अब एक बीज ये मिला है जो ग्रो नहीं कर पाया, वही दिखा रही हूँ मैं आपको। लगाने का तरीका आपको दोबारा से बता देती हूँ। मार्केट से जो भी कद्दू आपके पास आया, पीला पका हुआ वाला कद्दू लेना है, ग्रीन वाले कद्दू को नहीं लेना है। तो जो पका हुआ कद्दू है उसके सीड्स आप निकाल लीजिए, उनको अच्छी तरह से धो के उनमें जो भी लगा हुआ है बल्ब उसको निकाल के 3-4 दिन सुखा लीजिए। उसके बाद वो बीज आपके तैयार हैं लगाने के लिए, ठीक है। तो किसी भी आप कोकोपीट में या सैंड में या साधारण बगीचे की मिट्टी में आप थोड़ा सा, मतलब फंडामेंटल उसको लगाने का रूल तो वही रहेगा कि जितना मोटा बीज है उसकी डबल गहराई हमें करके और मिट्टी से उसे ढक देना है ना। मतलब ये आप समझिए आधा 1 इंच का गहरा में गड्ढा खोद के बीज को ऐसे लिटा के उसमें रख देना और मिट्टी से कवर कर देना और उसको पानी डाल देना। पानी डाल के हमको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें मॉइस्ट बनी रहे। तकरीबन 8-10 दिन लगते हैं और सीड निकल आता है। अभी तो अभी मुझे डेट पता नहीं है, अभी याद नहीं है, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा ये मैंने कब लगा के आपको दिखाई। ये लॉकडाउन में लगाया था, इसमें मैंने दिखाया था कि सब्जियों के और किचन के ये आप सामान से कई सारे सब्जियां वगैरह लगा सकते हैं, है ना। तो ये वही वाला कद्दू है जो उगा हुआ है और अब आप देख रहे हैं ये ट्रे में काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है। तो इसको बड़ी जगह में लगाने के लिए हम शिफ्ट कर रहे हैं जिससे कि इसको रूट्स को फैलने की जगह मिले, पूरी प्रॉपर तरीके से बेल बने और उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो सके। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको इस पॉट में लगा रहे हैं और ये ऑलरेडी बना हुआ है पॉट, इसमें खाद और थोड़ी मिला दे रही हूँ। खाद में मैं मिला रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। सब्जियाँ लगाने के लिए या तो आप गोबर की खाद लें या वर्मी कंपोस्ट। मैं मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, वो इसलिए कि वर्मी कंपोस्ट से वीड्स नहीं होती, खरपतवार जो हो जाती है ना सब्जियों के संग वो नहीं होती, तो वो काम बड़ा बच जाता है, ठीक है। मिला के दिखाती हूँ। ये पॉट हमारा तैयार हो गया फ्रेंड्स और अब मैं इसको निकाल रही हूँ इसमें से। तो अब ये एक्चुअली इतना ज़्यादा वीक है ना, ये वो है टेक अवे वाले मशरूम्स आते हैं ना जिसमें, ये वो वाला पैकेट है। एक मिनट में पूरा निकालूँ इसको। नीचे ना इसके बोर्ड लगा है, पेपर वो निकाल के दिखा दो। देखिए फ्रेंड्स, इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई हैं, उसमें से बाहर निकल रही थी पॉट्स में से। अब मैं इसको इसमें लगा देती हूँ। बीच में मैंने गड्ढा तो किया है ना, इसको थोड़ा गहराई पे लगाएंगे जिससे कि ये जो इनकी बेलें होती हैं उनकी ये स्टेम बहुत कमज़ोर होती है, तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल जाएगा गहरा लगाने से, ठीक है ना। तो ये हो गया और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ठीक है, अब ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा मिट्टी थोड़ी सी नमी बनी रहे, क्योंकि सारी जितनी भी बेलें होती हैं उन सबको नमी की ज़रूरत होती है और इनको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। जितनी भी सब्जियां होती हैं सबको फुल सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। और ये थोड़ी और बड़ी होगी तो यहाँ से इसको ग्रिल में सहारा मिल जाएगा चढ़ने के लिए, वहाँ चढ़ा सकते हैं। और आगे इसकी हम थोड़ी सी 1 फिट की हो जाए फिर हम ऊपर से इसकी टिप तोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, वहाँ से टिप तोड़ने से जो इसके नोड्स हैं उनमें से नई ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। मतलब मोर ब्रांचेस, मोर फ्लावर्स, देन मोर फ्रूट्स, ठीक है। फिर जब वो ब्रांचेस भी जब 1-1 फिट की हो जाएंगी तो उनके भी टिप्स हम 1-1, 2-2 इंच के ऊपर से तोड़ देंगे, तो उनसे और ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। मतलब बेल बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगी, घनी हो जाएगी, तो उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा ब्रांचेस पर ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और उनमें आपके कद्दू भी बहुत अच्छे लग जाएंगे। तो फ्रेंड, ये था मेरा छोटा सा वीडियो कद्दू की बेल लगाने का और कद्दू कैसे लगाना है। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आऊँगी। तब तक आप भी कद्दू उगाइए और मुझे बताइए कि आपका क्या रिजल्ट रहा। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।